नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका आज की खबरों की सुर्खियां। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने उड़ानों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, प्रसारकों को प्रभावित किया। लॉयंस क्लब का रानीगंज का 64वां इंस्टॉलेशन समारोह। 29 दिवसीय श्रावणी मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। आसनसोल तालाब भरकर बन रहा पार्किंग, क्या माफिया के शार्गिद की भी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अंतर्राज्य किडनी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। वरिष्ठ संवाददाता संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अंतर्राज्य किडनी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रैकेट 5 राज्यों के कई अस्पतालों में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने 5 राज्यों के कई अस्पतालों में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ट्रांसप्लांट किया। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की एक अपराध शाखा की टीम ने एक सप्ताह के ऑपरेशन में उन्हें गिरफ्तार किया। हाल ही में 9 जुलाई को एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भी भंडाफोड़ किया गया था और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक महिला डॉक्टर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह रैकेट बांग्लादेश में फैला हुआ था, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बांग्लादेश के मरीज शामिल थे। दिल्ली के एक प्रमुख किडनी ट्रांसप्लांट अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर ने बांग्लादेशी नागरिकों के साथ कई अंग प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। आसनसोल तालाब भरकर बन रहा पार्किंग, क्या माफिया के शार्गिद की भी होगी जांच। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर संख्या 46 में एक तालाब को भरकर पार्किंग बनाने का आरोप लगा है। इसे लेकर जांच भी शुरू हो गई है। भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने भी इसे लेकर सवाल उठाए और नगर निगम तथा तृणमूल पर निशाना साधा। मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, किसी भी हाल में तालाब की भराई नहीं की जाएगी। वही सूत्र बताते हैं कि इसी वार्ड में एक बड़े माफिया का करीबी रहता है, जिसका आलिशान मकान भी तालाब को भरकर बनाया गया है। अब सवाल उठता है, क्या उसकी भी जांच होगी। आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने कहा कि TMC से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए तालाब भरने सहित अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने आसनसोल नगर निगम से कई बार लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वार्ड में नहीं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस तरह से तालाबों की भराई की जा रही है। गुरदास चटर्जी ने कहा कि वजह चाहे कुछ भी हो, तालाब भरने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई तालाब को भरने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं, साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आसनसोल नगर निगम के बैठक हॉल में डेंगू को लेकर प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला के तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक आसनसोल नगर निगम में बुलाई गई है। इस बैठक में तीन जिला शासक एस पोनाबलम, उप जिला शासक, जिला अस्पताल के CMOH, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक, नगर निगम के कमिश्नर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री रूप से उपस्थित हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। 29 दिवसीय श्रावणी मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आसनसोल धार्मिक महत्व से भरपूर श्रावणी मेला, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाता है, हर साल झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में आयोजित किया जाता है। सावन के दौरान लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िए के रूप में जाना जाता है, वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ भाड़ को नियंत्रण के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। अधिकारीगण भीड़ प्रबंधन, निगरानी, चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये उपाय एक सुचारू और सुरक्षित त्यौहार की सुविधा प्रदान करते हैं। हाल ही में रांची के वैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावणी मेला 2024 के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अपर महानिदेशक रेल, महानिरीक्षक, सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पूर्व मध्य रेलवे, उप महानिरीक्षक, सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त पूर्व रेलवे, अपर मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आसनसोल और रेल पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। आसनसोल रेल मंडल सभी कांवड़ियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए श्रावणी मेला 2024 के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय कर रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए जस्सीडीह, बासुकीनाथ, देवघर और वैद्यनाथ धाम में लगभग 400 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रणनीतिक रूप से की जाएगी। जस्सीडीह स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल RPF का एक सहायक कमांडेंट पूरे मेले के दौरान पूर्णकालिक ड्यूटी पर रहेगा। उनके साथ सुरक्षा कार्यों की देखरेख के लिए सुरक्षा बल कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी भी तैनात की जाएगी। निगरानी प्रयासों को बढ़ाने के लिए जस्सीडीह में 100 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ और देवघर में 20-20 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए, ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित की जा सके। डॉग स्क्वाड की सहायता से सुरक्षा जांच सख्ती से की जाएगी और भीड़ भाड़ में किसी भी अपराधी या असामाजिक तत्व की निगरानी और पहचान करने के लिए सिविल ड्रेस में स्पेशल टीमें तैनात की जाएगी। इन सुरक्षा उपायों के अलावा उपस्थित लोगों को सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए प्रमुख स्थानों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी के लिए एक सहज और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित हो सके।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। श्रावणी मेले के दौरान कुछ मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों में एक सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच की वृद्धि। समाचार का यह भाग प्रायोजित साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रावणी मेला देश भर में भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस शुभ अवसर पर असंख्य तीर्थयात्रीगण वैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ क्षेत्र में पहुँचते और वे वहाँ पहुँचने के लिए रेलवे मार्ग को परिवहन का सबसे सुरक्षित और तेज साधन अपनाते हैं। तदनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 22/7/2024 और 19/8/2024 के बीच श्रावणी मेला अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए कुछ मेल एक्सप्रेस यात्री दोनों में से एक सामान्य द्वितीय श्रेणी को कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एक सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच की वृद्धि 1301-13022 हावड़ा रक्सेल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस जो 22/7/2024 से 19/8/2024 तक हावड़ा से रवाना होगी तथा 23/7/2024 से 20/8/2024 तक रक्सेल से रवाना होगी। 1302-13030 हावड़ा मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस जो 22/7/2024 से 19/8/2024 तक हावड़ा से रवाना होगी तथा 23/7/2024 से 20/8/2024 तक मोकामा से रवाना होगी। 1318-13186 सियालदा जयनगर सियालदा गंगा सागर एक्सप्रेस 22/7/2024 से 19/8/2024 तक सियालदा से रवाना होगी और 23/7/2024 से 20/8/2024 तक जयनगर से रवाना होगी। 1315-13106 सियालदा बलिया सियालदा एक्सप्रेस 22/7/2024 से 19/8/2024 तक सियालदा से रवाना होगी और 23/7/2024 से 20/8/2024 तक बलिया से रवाना होगी। 03113-03114 सियालदा बनारस सियालदा स्पेशल 27/7/2024 से 17/8/2024 तक सियालदा से रवाना होगी और 28/7/2024 से 18/8/2024 तक बनारस से रवाना होगी। 03109-03110 सियालदा बड़ोदरा सियालदा स्पेशल 23/7/2024 से 30/7/2024 तक सियालदा से रवाना होगी और 25/7/2024 से 18/8/2024 तक बड़ोदरा से रवाना होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जामुड़िया के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र के RAIC इंटीग्रेटेड स्पंज एंड आयरन कारखाना तथा सत्यम स्मिलेटर कारखाना के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर माकपा का प्रदर्शन। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। जामुड़िया माकपा को ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र के RAIC इंटीग्रेटेड स्पंज एंड आयरन कारखाना तथा सत्यम स्मिलेटर कारखाना के समक्ष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान DYFI नेता बुद्धदेव रजक ने कहा कि इगड़ा स्टेशन से लेकर इकड़ा चंडीपुर गांव का रास्ता पूरी तरह बदहाल है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा रास्ता का उपयोग किया जाता है लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। गाँव के लोगों सहित स्कूल आने जाने वाले बच्चों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सड़क पर लाइट की व्यवस्था नहीं है जिस कारण रात के समय अंधेरा छाया रहता है। सड़क पर बिजली की सुविधा नहीं होने के वजह से आए दिन दुर्घटना घटित होते रहती है। उन्होंने कहा कि कारखाना के कारण आसपास के गांव के लोगों को श्वास संबंधी समस्या हो रही है जिसके कारण बीमारी से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिया। उन्होंने कहा कि पास के गाँव इगड़ा तथा चंडीपुर के बेरोजगार युवकों को कारखाना में काम देगा
होगा, जबकि बाहर से लोगों को लाकर काम पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। चंबल एक्सप्रेस में स्थायी तौर पर कोचों की वृद्धि, अधिक बर्थ सृजित की जाएगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल 20 लोकप्रिय लंबी दूरी की ट्रेनों में अधिक बर्थों की यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में 1217615 चंबल एक्सप्रेस में कोचों की स्थायी तौर पर वृद्धि करके अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। स्थायी उपाय के रूप में पूर्व रेलवे ने 1217 और 1215 ग्वालियर हावड़ा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस में एक स्लीपर क्लास कोच और एक सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच बढ़ाने की व्यवस्था की है, जो 20/7/2024 से ग्वालियर जंक्शन से रवाना होगी और 21/7/2024 से हावड़ा जंक्शन से रवाना होगी। ट्रेन में कोच बढ़ाने का फैसला पूरे रेलवे के नेटवर्क में रेल परिवहन सेवाओं की बढ़ती मांग के जवाब में लिया गया है। इन चुनिंदा ट्रेनों में कोचों को स्थायी रूप से जोड़कर पूरे रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को अधिक सीटिंग और बर्थिंग विकल्प प्रदान करना है, जिसमें उन्हें अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव सुनिश्चित हो सके। ट्रेन में कोचों की स्थायी वृद्धि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और विश्वसनीय ही और कुशल रेल परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे के समर्पण को दर्शाती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। लॉयंस क्लब का रानीगंज का 64वां इंस्टॉलेशन समारोह। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार रानीगंज लॉयंस क्लब का इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन हुआ। 2024-25 के नए बोर्ड के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। नव नियुक्त अध्यक्ष राजेश साव, महासचिव गौरव झुंझुनवाला ने शपथ ग्रहण किया। विशिष्ट अतिथि ADDA के चेयरमैन कवि दत्त ने कहा कि रानीगंज लॉयंस क्लब सामाजिक कामों में सबसे आगे है, यही वजह है कि पूरे इंटरनेशनल स्तर पर रानीगंज लॉयंस क्लब का एक नाम है। इस मौके पर लॉयंस इंद्रजीत सिंह, राजेश जिंदल ने कवि दत्त का सम्मान किया। मुख्य रूप से उपस्थित विशिष्ट अतिथि शेख मोइनुद्दीन प्रथम, वाइस जिला गवर्नर डॉक्टर समरेंद्र कुमार बसु, जिला पाल डॉक्टर नवारुण गुहा, अन्य कई पूर्व जिला पाल उपस्थित थे। लॉयंस गरिमा महिला विंग की तरफ से शशि कौर, वर्षा लोयलका, प्रीति खेतान, चैताली बसु, स्नेहा साव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हर्षवर्धन खेतान ने किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने उड़ानों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, प्रसारकों को प्रभावित किया। माइक्रोसॉफ्ट के बड़े पैमाने पर आउटेज ने दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम पर कहर बरपाया, उड़ानें रोक दी और बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, भुगतान प्रणालियों और आपातकालीन सेवाओं को पंगु बना दिया। पहली बार आउटेज की सूचना मिलने के लगभग 6 घंटे बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे समन कार्यों की प्रगति के कारण कई सेवाओं की उपलब्धता में सुधार जारी है। आउटेज संभवतः क्राउडस्ट्राइक फाल्कन की विफलता के कारण है, जो एक साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट के यह कहने के कुछ घंटों बाद ही व्यवधान जारी रहा कि वह समस्या का समाधान कर रहा है। भारत में आउटेज के कारण उड़ान संचालन, भुगतान प्रणाली और व्यापार सहित अन्य सेवाओं में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ। सभी हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी की सूचना मिली, जिससे लंबी कतारें लग गई। आउटेज के कारण इंडिगो, आकाशा एयरलाइंस और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइंसों की बुकिंग और चेक इन सेवाएं प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने साइबर आउटेज पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ चर्चा कर रही है। आउटेज के कारण विभिन्न देशों में स्टॉक एक्सचेंजों का संचालन बाधित हो गया,
भारत सहित दुनिया भर में भुगतान प्रणालियां प्रभावित हुई। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनके खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने की जांच चल रही है। आयोग ने मामले के संबंध में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। एक बयान में यूपीएससी ने कहा कि उसने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार सुरुषि पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है। इस जांच से यह पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बदलकर फर्जी पहचान और पता बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। इससे यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसे पुलिस अधिकारियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाना शामिल है और सिविल सेवा परीक्षा की उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। स्ट्रांग वूमेन डोंट प्ले विक्टिम, डोंट मेक थीम स्लिप्स लुक पिटीफुल एंड डोंट पॉइंट फिंगर्स दे स्टैंड एंड दे डील। मजबूत महिलाएं पीड़ित की भूमिका नहीं निभाती, खुद को दयनीय नहीं बनाती और न ही किसी पर उंगली उठाती, वे खड़ी होती है और निपटती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।